हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परमाणु कक्षा के ऑर्बिटर होते क्या है। ये क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इससे रिलेटेड और टॉपिक समझा दिए हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र, थ्री डायमेंशन, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, परमाणु ऑर्बिटर या कक्षक कहलाते हैं। देखिए, आपको पता है ये क्या है, हमारा एक परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। नाभिक में क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो परमाणु के नाभिक के बाहर की जो कक्षाएं होती है उनमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा परमाणु ऑर्बिटर या कक्षक। तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, परमाणु ऑर्बिटर या कक्षक कहलाता है। ठीक है, अब एक ऑर्बिटर में अधिकतम क्या होते हैं? विपरीत स्पिन के अपोजिट साइड के दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एक क्लॉकवाइज इस तरह और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एक बॉक्स दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोष शैल क्या होते हैं। परमाणु ऑर्बिटर का समूह कोष कहलाता है। इन्हें KLMNC प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो परमाणु के बाहर की जो कक्षाएं होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। और ये हमें इन्हें KLMNC डिनोट करते हैं। आप इन्हें कोष, कक्षाएं, शैल कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारी शैल कौन सी है? KLMN। अब परमाणु में किसी ऑर्बिटर का कोष उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो ये हमारे कोष होते हैं हमें n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। n इनकी वैल्यू बताता है। n क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। ये आगे आप आगे की वीडियो में देख लेंगे आप। ठीक है, कि n मुख्य क्वांटम संख्या होती क्या है। और ये क्या होता है? n हमें ये भी बताता है कि इन हमारी कोष जो कक्षा है इनकी ऊर्जा स्तर कितनी है। ठीक है, अब n के लिए k का मान कितना होता है? 1, और दूसरी कक्षा के लिए 2, 3, 4। इस तरह देखिए, n 1, 2, 3, 4 कोष के LMN, तो n की वैल्यू इनके लिए ऐसी होती है। और क्या होता है? जितनी दूर हमारा कोष होता है उतनी दूर हमारी एनर्जी घटती जाती है। ठीक है, और n क्या बताता है? हमारा एनर्जी लेवल भी बताता है। तो कोष कौन से हो गए हमारे पास? KLMN। अब बात करते हैं उपकोष। देखिए, उपकोष क्या होते हैं? देखिए, जो उपकोष है इन्हें कहते हैं सब शैल। उपकोष जो है कोष के अंदर पाए जाते हैं और इन्हें हम SPDF से प्रदर्शित करते हैं। अब कोष तो हमने समझ लिया, KLMN है। अब उपकोष क्या पाए जाते हैं? उपकोष पाए जाते हैं कोष के अंदर। ठीक है, जैसे के है, के हमारा कोष है, उसके अंदर उपकोष पाया जाएगा S, L के अंदर SP, M के अंदर SPD, N के अंदर SPDF। ठीक है, तो हमारे उपकोष कौन से होते हैं? SPDF, और ये कोष के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारा परमाणु है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है और परमाणु की जो भारी कक्षाएं है और जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है वो हमारे कक्षा के ऑर्बिटर कहलाते हैं। और कोष होते हैं ये कक्षाएं KLMN से प्रदर्शित करते हैं, और उपकोष कोष के अंदर होते हैं जिन्हें SPDF कहते हैं। अब देखते हैं हम S ऑर्बिटर की शेप कैसी होती है। जो S ऑर्बिटर होते हैं सबशैल उपकोष, उनकी शेप गोलाकार होती है। ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस है। P ऑर्बिटर की शेप कैसी होती है? डंबेल होती है। देखिए, इसमें दो लूप दिख रहे हैं आपको। और जो पी ऑर्बिटर होते हैं ये XPX, PY, PZ में भी होते हैं। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, ये तीन प्रकार की होती है, PX, PY और PZ। और डी ऑर्बिटर की शेप कैसे होती है? ये होती है डबल डंबेल। देखिए, इसमें फोर लूप है। और जो F ऑर्बिटर है ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं काफ़ी। अब हम बात करते हैं S जो ऑर्बिटर होता है इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटर होता है। याद रखिए, S उपकोष में क्या होता है? सिर्फ एक ऑर्बिटर होता है। और मैंने आपको बताया एक ऑर्बिटर में विपरीत स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो S उपकोष में एक ऑर्बिटर होता है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो, क्योंकि इस ऑर्बिटर में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब जो हमारा P उपकोष होता है उसमें क्या होते हैं? तीन ऑर्बिटर। याद रखना, P उपकोष में तीन ऑर्बिटर होते हैं, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। डी उपकोष में कितने ऑर्बिटर होते हैं? 5 होते हैं, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? हमारे एफ में हमारे 7 ऑर्बिटर होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 14 होती है। ये आपको याद रखने की बात है कि एस में एक ऑर्बिटर होता है, और एक ऑर्बिटर में आपको पता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस ऑर्बिटर में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। पी में 3 ऑर्बिटर होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है कि 6। डी में क्या होते हैं? 5 ऑर्बिटर और टोटल इलेक्ट्रॉन 10। एफ में कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटर, टोटल इलेक्ट्रॉन 14। अब मैंने आपको बताया PX, PY, PZ ऑर्बिटर होते हैं। देखिए, तीन एक्सिस में होते हैं। पी ऑर्बिटर एक दूसरे के साथ लंब बनाने वाले XYZ में व्यवस्थित रहते हैं, तो ये PX, PY और PZ होते हैं। ऐसे डी ऑर्बिटर होता है, डी ऑर्बिटर होते हैं, उसमें हमारे 5 ऑर्बिटर होंगे डी सब शैल में। तो DXY, DYZ, DZX एंड DX2, Y2, DZ2, जो DZ2 है इसमें एक रिंग भी पाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो में ये समझा दिया है। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी क्वांटम संख्याएं और नोड होते क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।